बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबान, मेवात आजता के तीनों जो काले कानून है उनको वापस लिया जाए और एमएसपी पर लिखित नहीं कानूनी दर्जा दिया जाए। हर बार बार यही कहा जा रहा है, लेकिन सरकार वार्ता की बात कर रही है। हमारे नेता, हम भी कह रहे हैं कि वार्ता नहीं, समाधान चाहिए। और समाधान का केवल एक ही उपाय है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक ये किसान जहां भी मोर्चे पर लगे हुए हैं। आज देखिए, हमारे कल शाम को हमारे सैकड़ों की संख्या में महाराष्ट्र अकोला से हमारे किसान लीडर्स के साथ किसान नेता आए हैं, किसान हमारे कार्यकर्ता के रूप में किसान वहां से आए हैं। और इससे पहले तमिलनाडु से भी हमारे यहां पर किसान इस आंदोलन में, पलवल के आंदोलन में योगदान देने आए, हिस्सेदारी उनकी भी, उन्होंने भी अपनी दर्ज की है। केरल से भी आए हैं। ऐसा हिंदुस्तान का कोई दक्षिण से लेकर पश्चिम तक और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसका किसान आज उबाल नहीं खा रहा है। सरकार ने जितने भी हथकंडे सरकार अपना चाह रही थी, वो सारे हथकार उन्होंने अपने जो हथकंडे हैं वो अपना लिए हैं, वो सब फेल हो चुके हैं। और कल की जो रैली, जो टेलर हमने निकाला था, जो हजारों की संख्या में किसान जो अपने केएमपी और केजीपी पर कल ट्रैक्टरों के द्वारा हमने जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन से निश्चित तौर से वो हमारी चेतावनी नहीं थी। किसान ये नहीं हमको चेतावनी दे रहे हो या उसको धमका रहे हैं सरकार को, लेकिन ये एक ट्रेलर था। और ये जो हमारी फिल्म है ना, वो तो 26 जनवरी को, क्योंकि राकेश टकेश जी ने एक महीने पहले घोषणा की थी कि जब तक किसान, जब तक हमारे बिल वापसी नहीं तो किसान अपने घर को वापसी नहीं, उनका नारा था। और दूसरा उन्होंने एक बात और कही थी कि यदि हमारा ये किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो निश्चित तौर से 26 जनवरी को लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश करेंगे और जो राजपथ है वो देशभक्तों का है, तिरंगा झंडा होगा हर, जैसे कल हमारे जो ट्रेलर दिखाया था उस पर तिरंगा झंडा था, उसी प्रकार से लाखों ट्रैक्टरों के आगे तिरंगा झंडा होगा। क्योंकि अन्नदाता से बड़ा कोई देशभक्त नहीं होता। अन्नदाता उस समय 26 जनवरी की परेड देखने के लिए लाखों के ट्रैक्टरों की संख्या में जा करके और राजपथ पर घूमने का काम करेगा, देखेगा हमें अधिकार। बीच का रास्ता अगर मीटिंग में आता तो कोई किसान मानेंगे? नहीं, बीच का रास्ता क्या है, बीच का रास्ता है ही नहीं, इसमें एक ही रास्ता है, रास्ता सीधा है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। सरकार बीच का रास्ता नहीं, और भी कई रास्ते खोजना चाहती है, लेकिन वो रास्ते बिल्कुल किसान को किसी भाव में भी मंजूर नहीं है। केवल एक ही रास्ता है कि सरकार उनको वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे। हम एक बात और भी कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, आप देखिए कि जब सरकार ने तमाम तरह परगलाने का काम बहुत किया है किसान को, लेकिन ये हिंदुस्तान का पहला इतना बड़ा आंदोलन है जिसमें किसान बिल्कुल शांति के साथ, ईमानदारी के साथ अन्नदाता अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है। और कल की उस रैली ने हमें विजय प्राप्त, श्री का तो समझ लो साधुओं ने भी आशीर्वाद दिया है, महामंडलेश्वर भी यहाँ पर आकर के आशीर्वाद दे चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली की तरफ 26 तारीख को जाओगे तो हजारों की संख्या में साधु भी किसानों के साथ चलेंगे। अकोला महाराष्ट्र से हम यहाँ पे आए हैं, 250 किसान, महिलाएं किसान भी हमारे साथ में है। हमारा उद्देश्य है ये किसान आंदोलन के माध्यम से जो काले कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए है उसे मोड़ दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, पूर्ववत स्थिति भारत में होनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। इस उपलक्ष्य में हम आंदोलन में सहभाग लेने 1200-1500 किलोमीटर यहाँ पर आए हैं और हम सब किसान के फैमिलियों से है, सब लोग हमारे साथ के किसान के फैमिलियों से है। इसकी वजह से हमें मालूम है कि ये तीन कानून से हमें क्या नुकसान पहुँचने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं ये काले कानून रद्द होने चाहिए। 60 के करीब किसानों की मौत हो चुकी है धरना स्थलों पर, श्रद्धांजलि सभाएं हो चुकी, ट्रैक्टर मार्च किसान निकाल चुके हैं केजीपी केएमपी पर। आज भी जो बैठक है उसमें जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह चुके हैं कृषि कानून रद्द करने के अलावा और प्रस्ताव जो लाएंगे किसान उस पर बातचीत होगी। हाँ, वो बार बार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कोई हल नहीं निकाल रहे हैं। और इसकी वजह से पूरे भारत देश में रोष है, हमारे महाराष्ट्र में भी रोष है, काफी जिलों से शेतकरी हमारे यहाँ पे पहुँचने वाले है और इस काले कानून रद्द करने के लिए किसान के साथ हम सभी राज्य से जो किसान है उनके हमारे हम साथ में है और हमारा पूरा पाटिंबा उनके साथ है।
प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।